हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, रेडमी 4 मार्च को अपनी नोट 10 सीरीज़ को लॉन्च करने जा रही है और इस फ़ोन के काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशन भी सामने आ चुके हैं। ये एक मीडियम बजट कैटेगरी का फ़ोन होने वाला है, तो अगर आप भी एक बजट फ्रेंडली डिवाइस लेने की सोच रहे हैं अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं रेडमी नोट 10 के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं सही वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो सबसे पहले इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो लुक वाइज ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसके फ्रंट और बैक में ग्लास बॉडी दी गई है, जिसमें कि आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिलेगी। ये रेडमी का पहला फ़ोन होगा बजट कैटेगरी का जिसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी जाएगी। इसकी डिस्प्ले साइज 6.43 इंचेस की है और रेजोल्यूशन 1080x2400 की। इसमें 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है और इसकी पिक्सल डेंसिटी 409 PPI की है, जो कि एक बजट कैटेगरी में अच्छी स्पेसिफिकेशंस है। इसके फ्रंट में सेंटर पंचोल सेल्फी कैमरा दिया जाएगा, जो कि 16 मेगापिक्सल का होगा। इसका अपर्चर f2.5 होगा और ये एक वाइड एंगल कैमरा है। इसे आप 1080 पिक्सल्स पे 30 फ्रेम पर सेकेंड पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। वहीं रियर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसका कि मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का होगा। इसका अपर्चर f1.8 है और इसमें आपको फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस का सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, इसमें 8 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है, जिसका फील्ड ऑफ व्यू 118 डिग्री का होगा। और बाकी के दो कैमरे इसमें 2-2 मेगापिक्सल के होंगे, जो कि एक डेप्थ सेंसर और एक मैक्रो सेंसर होगा। इसके मेन कैमरे से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, वो भी 30 FPS पे। इसमें आपको किसी भी तरह की स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगी। वहीं परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 678 का चिपसेट दिया जाएगा, जो कि 11 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। इसमें एड्रीनो 612P ग्राफिक्स दी जाएगी। वैसे तो ये मीडियम कैटेगरी का अच्छा चिपसेट है, लेकिन इसी की कंपैरिजन अगर हम स्नैपड्रैगन 730 से करें तो स्नैपड्रैगन 730 का स्कोर थोड़ा सा बेहतर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका एंटीटू स्कोर 25% ज़्यादा है और इसका गीक बेंच में सिंगल कोर स्कोर और मल्टी कोर स्कोर भी स्नैपड्रैगन 678 से थोड़ा ज़्यादा है। ये 4GB की रैम वेरिएंट के साथ आएगा, जिसमें आपको 64GB की स्टोरेज दी जाएगी और इसका हाईएस्ट वेरिएंट 6GB रैम के साथ 128GB या फिर 256GB की स्टोरेज में भी आ सकता है। वहीं इसकी अदर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको वाईफाई वर्जन 6, ब्लूटूथ वर्जन 5, NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है और तो और इसमें 3.5mm हेडफोन जैक भी दिया गया है। वहीं बैटरी की बात करें तो इसमें 5000mAh की बैटरी दी जाएगी, जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा और इसके केबल के जरिए आप रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी इसमें मिल जाएगा। AMOLED डिस्प्ले होने के बावजूद भी इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया है, इसलिए सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक का फीचर मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये फ़ोन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आपसे नए वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अलविदा और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।